नमस्कार मित्रों, किसी का कमेंट आया था कि मैं, जैसे आपने बताया है, मैं रेकी का आवाहन करता हूं। ऐसे और भी लोगों के कमेंट आते हैं कि मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं पर ऊर्जा इतनी आ रही है कि संभल नहीं रही है, ऊर्जा इतनी बढ़ गई है शरीर में, अब संभल नहीं रही है। ऐसा नहीं होता, कारण ये है। कोई नए लोग हों तो उनको बता दूं, यहाँ इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे रेकी कैसे करनी है, कैसे सीखनी है, पूरा ए टू जेड वीडियो में एक लेवल फ्री में बताया हुआ है। आप देख के रेकी एनर्जी हीलिंग सीख सकते हैं, जिससे सातों चक्र शुद्ध हो जाएंगे, आप ध्यानस्थ होने लगेंगे और जीवन में धन्यता भर जाती है, अमृत भरने लगता है, परम मिठास भरने लगती है। कोई आपको देख भी लेगा, उसके चित्त में भी एक शांति आ जाएगी, वो भी देख के आकर्षित होने लगेगा। ऐसी ये रेकी एनर्जी हीलिंग है। तो आप जो ऐसा सोचते हैं कि बहुत एनर्जी बढ़ गई है, संभल नहीं रही, ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है, हमारी ऊर्जा ब्लॉक होती है, हमारे सारे चक्र ब्लॉक है, रोआ रोआ ब्लॉक है। आजकल क्या हो गया, थोड़ी सी गर्मी हो गई तो एसी चला के रखते हैं, थोड़ी क्या, लोग मार्च महीने में इतने हम ढीठ हो गए हैं कि मार्च महीने में एसी ऑन करके रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, रोआ रोआ हमारा बंद हो जाता है, पसीना नहीं बहता। वो रोए रोए से जब हम रेकी करनी शुरू करते हैं तो थोड़े दिन के बाद, कुछ लोग दो एक 2% को छोड़ दें, उनको जरा टाइम ज्यादा लगता है, शरीर में कोई ब्लॉकेज है अथवा कोई दोष है, पितृदोष, देव दोष, ग्रह दोष कोई ऐसा, तो उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। बाकी आमतौर पे 21 दिन करने के बाद एनर्जी का फ्लो बहुत हो जाता है और ऐसे फील होता है जैसे बहुत बड़ी भट्टी में किसी ने जी भर के लकड़ियां लगा दी हों और तपिश निकलती है, पूरी बॉडी से गर्मी हीट निकलती है। इसलिए निकलती है क्योंकि जो ब्लॉक एरिया है, ब्लॉक चक्र है, आभा मंडल भी यहां तक कि लोगों का ब्लॉक हुआ पड़ता है, उसको खोलने के लिए ऊर्जा अनलिमिटेड बॉडी में प्रवाहित होने लगती है एक लेवल के हिसाब से। जैसे आप और यदि उसके बाद आगे सीखेंगे, प्रॉपर कोर्स करेंगे, तो एनर्जी और बढ़ जाएगी, अभी से कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो संभल नहीं रही, बल्कि बॉडी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि एनर्जी उतनी निकलनी चाहिए, तभी आपकी ब्लॉकेज खुलेगी। नहीं तो वो 2 साल का जो 2 महीने का काम है, वो 2 साल पे चला जाएगा, 2 साल में जाके शरीर शुद्ध होता है, चक्र शुद्ध होते हैं। तो जो आपको ऐसे लगता है कि एनर्जी बहुत बढ़ गई है, आप संभल नहीं रही, वो ऐसा नहीं होता। एनर्जी हीलिंग का अर्थ ही है, ये है कि बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही एनर्जी रिसीव करेंगे आप, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपका पात्र 2 किलो का है तो उसमें 2.5 किलो नहीं भरा जा सकता, ऐसा नहीं होता, वो आपके मन का भ्रम होता है। यदि फिर भी किसी के बॉडी के अंदर ज्यादा ब्लॉकेज हो, नेगेटिविटी हो और एनर्जी आती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि ज्यादा हो गई है, तो नंगे पांव 2 मिनट के लिए धरती के ऊपर खड़े हो जाएं, मिट्टी के ऊपर खड़े हो जाएं, 2 मिनट में आपकी एनर्जी एकदम धरती चूस के बैलेंस कर देगी, हल्का कर देगी आपको। यदि ज्यादा बढ़ जाए तब करना है ऐसा, नहीं तो नॉर्मल आप रहें, कोई एनर्जी नहीं बढ़ती। दूसरा, जब भी पहले आपने 21 दिन पूरे करने हैं रेकी के, तो 21 दिन के लिए, क्योंकि जिन्होंने तो शक्तिपात लिया है, अभी मैंने पीछे यहां पे 2 बार रेकी ऑनलाइन अट्यूनमेंट दी थी, तो जिन्होंने शक्तिपात लिया है वो किसी भी तरह से रेकी का आवाहन कर लें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिना शक्तिपात के कर रहे हैं, वो पहले 21 दिन पैरों को अलग अलग रेकी रख के फिर रेकी करेंगे। तो जब आप चौकड़ी लगा लेते हैं, आथली पातली लगा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे मणिपुर तक चक्कर आके यहां तक ऊर्जा आके रुक जाती है, कई बार अधिकतर यहां पे रुक जाती है, जब हम पैर क्रॉस करके बैठ जाते हैं, दोनों टांगे ऐसे रखनी है, ऐसे पीढ़ी पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, और पास में धूप और जोत हमेशा जलाना है, ये सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाता है। तो रेकी एनर्जी हीलिंग से आपके बॉडी में कहीं भी रोग है, कोई दर्द है, आपको उसके लिए स्पेशल कुछ नहीं करना होता, ऊपर हाथ करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, यहाँ थक जाए यहाँ कर लो, यहाँ थक जाए थोड़ा नीचे कर लो, रेस्ट आ गई फिर ऊपर रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, थोड़े ही दिन में एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, आप एकदम गहरे ध्यान में डूबने लगते हैं, और जैसे ही आप गहरे ध्यान में जाने लगते हैं, एनर्जी और फास्ट हो जाती है, पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है अंदर से, उसमें डरने घबराने की बात नहीं होती कि ये क्या हो रहा है, अंदर क्यों इतने कंपन हो रहा है, अंदर ही अंदर होता है, बाहर नहीं होता।
आप बैठेंगे तो अंदर ही अंदर भीतर मीठा मीठा कंपन होगा, बहुत शांति आपको आएगी, बड़ा रिलैक्सेशन, बहुत हल्कापन महसूस होगा। तो वो अंदर ही अंदर होता है, क्योंकि जहां जहां पे एनर्जी ब्लॉक है, पुरानी एनर्जी जो खराब कर रही है, शरीर को बीमार कर रही है, उसको बाहर निकालने के लिए तीव्रता से ऊर्जा आती है, तो पुरानी ऊर्जा निकलती है। जैसे ही आप रेकी से उठेंगे, ये अपने आप बैलेंस हो जाती है। जब बैठेंगे उसी टाइम पे लगता है कि बॉडी से भट्टी की तरह ऊर्जा निकल रही है, लेकिन ये भी 70-80% लोगों के साथ 21 दिन में होता है, बाकी लोगों को 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर है, जितनी बॉडी में ज्यादा कचरा, ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होगी, उतना थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। कोई स्पेशल सीखना चाहे तो ऑनलाइन कोर्स होता है, उसको कर सकता है। तो जैसे जैसे आप करेंगे, आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर तरफ से इतना लाभ होगा कि आप यहां से उसकी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन बदल के रख देता है। धन्यवाद। नमस्कार।